Nursing theories is a very important uh, topic for the PGI Chandigarh. तो आज का जो तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज इसमें आपको थ्योरीज़ के बारे में बताया जाएगा और जो पैराडिम है मेटा पैराडिम ऑफ नर्सिंग है जो फोर कॉन्सेप्ट हैं नर्सिंग थ्योरीज़ के पर्सन इन्वायरमेंट हेल्थ एंड नर्सिंग ये सब आपको आज डिटेल में बताया जाएगा एंड समरी ऑफ नर्सिंग थ्योरीज एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर बनता है दोस्तों तो देखना मत भूलना एंड तक तो नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे तो आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं पीजीआई चंडीगढ़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आई हूँ आपको बहुत पसंद आएगी और एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको ना मिले तो कमेंट कर कर ज़रूर जाना मुझे अपने मेरे बॉक्स में ठीक है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके कर जाना कि क्या पढ़ाया था तुमने एक सीरीज़ में से कोई क्वेश्चन नहीं आया एक भी सीरीज़ सारी सीरीज वेस्ट गई ठीक है मैं खुद आपको बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है एंड तक देखना तो स्टार्ट कर लेते हैं हम जल्दी से नर्सिंग थ्योरीज नर्सिंग थ्योरीज के बारे में जान लेते हैं पहले जो कर्लिंगर ने दी थी द थ्योरीज द थ्योरीज आर द सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट दैट गिव अ अस्टमैटिक व्यू ऑफ फिनोमिन एंड ऑब्जर्वेबल फैक्ट और द इवेंट दैट इज एक्सप्लेनेटरी एंड प्रिडिक्टिव इन नेचर ये गिवन बाई है कर्लिंगर एंड देन नेक्स्ट पॉइंट द नर्सिंग थ्योरीज प्रोवाइड रैशनल फॉर नर्सिंग इंटरवेंशन हमारे नर्सिंग इंटरवेंशंस के लिए जो नर्सिंग थ्योरीज है वो रैशनल प्रोवाइड करता है ठीक है अब आपको पता होना चाहिए फोर कॉन्सेप्ट या मेटा पैराडिम ऑफ द नर्सिंग ऑफ नर्सिंग थ्योरीज चार हैं आपको एग्ज़ाम्स में हो सकता है कोई तीन पॉइंट दे दिए जाएं और आपको बोला जाएगा एक मिसिंग करके बोलेंगे कि इनमें चार ऑप्शन में से कौन सा फोर्थ पॉइंट है इनमें से कोई सा भी वो पॉइंट हो सकता है जिसको वो मिसिंग करके आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे तो आपको ये चार कॉन्सेप्ट और ये नाम याद होने चाहिए और आपके टिप्स पे होने चाहिए आपको रिक्वेस्ट करूँगी मेरे साथ रिपीट करना पर्सन इन्वायरमेंट हेल्थ नर्सिंग पर्सन इन्वायरमेंट हेल्थ नर्सिंग ठीक है पर्सन इन्वायरमेंट हेल्थ नर्सिंग याद रखना है आपको ठीक है इम्पॉर्टेंट है ये यह? यहाँ पे नोट में एक इम्पोर्टेंट uh, है द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन नर्सिंग थ्योरी इज अ पर्सन आपको एग्जाम में जरूर आएगा एक क्वेश्चन उसने ये पूछा होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन नर्सिंग थ्योरी ठीक है एग्जाम में होगा चार ऑप्शन आपके पास होंगे तो आपको राइट ऑप्शन लगाना है पर्सन बिकॉज नर्सिंग थ्योरीज में जो कॉन्सेप्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है पर्सन अब समरीज देख लेते हैं नर्सिंग थ्योरीज की आपको पहला जो आपको आपकी पहली थ्योरी है वो मैं आपको बताऊँ वो गिवन बाई है हमारी जो फ्लोरेंस नाइटिंगल हैं ठीक है फ्लोरेंस नाइटिंगल के द्वारा दी गई जो थ्योरी है 1860 में दी गई थी 1860 और थ्योरी का नाम था इनवायरमेंटल थ्योरी ठीक है इन्वायरमेंटल थ्योरी ओके एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आएगा द इन्वायरमेंट थ्योरी गिवन बाई विच नर्सेज ठीक है विच थ्योरिस्ट तो आपको चार ऑप्शन में से आपको चूज करना है फ्लोरेंस नाइटिंगल साथ ही साथ ईयर भी याद कर लो ज्यादा बेटर रहेगा फोकस ऑन एन्वायरमेंटल क्लिनलीनेस एंड कंसर्न फॉर द वेंटिलेशन टेम्परेचर लाइट एंड नॉइज़ फ्लोरेंस नैटिंगल ने जो थ्योरी दी थी वो फोकस करती थी इन्वायरमेंट के क्लिनलीनेस पे और कंसर्न थी फॉर द वेंटिलेशन टेम्परेचर लाइट एंड नॉइज ठीक है नेक्स्ट इज हिल्डेगार्ड पैपलाउ ठीक है नेक्स्ट जो हमारे थ्योरिस्ट हैं वो है हिल्डेगार्ड पैपलाउ नाइनटीन फिफ्टी टू थियोरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एग्जाम्स में आता है हु द थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप गिवन बाई डैश 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 चार ऑप्शन आपको लगाना है हेल्डीगार्ड पैपलाउ मुश्किल होगा आपको लेकिन ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ये कॉन्सेप्ट समझने वाली कम है इसको याद रखने वाले ज़्यादा है तो आपको याद रखना जरूर पड़ेगा साइटेंगल इन्वायरमेंट थ्योरी ब्रेन में बैठाना पड़ेगा दो से चार दिन लगातार रिवाइज करना पड़ेगा तभी आपको याद रहेगा आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों फॉर द स्टडी पर्पजेज ओके एंड द नेक्स्ट इज हल्डीगार्ड पेपलाउ इसका भी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरवेंशन आर डायरेक्टेड टू सपोर्ट थेरापूटिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो भी हमारे इंटरवेंशन होते हैं वो डायरेक्टेड होते हैं टू सपोर्ट दैराप्यूटिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड नेक्स्ट इज वर्जीनिया हैंडरसन ठीक है वर्जीनिया हैंडरसन नाइनटीन फिफ्टी फाइव नर्सिंग नीड थ्योरी ये नाम आपको याद रखने होंगे और काफ़ी इजी है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे भी ज़्यादा वक्त नहीं लगा था ये सब याद रखने में ठीक है एक से दो दिन में याद हो गया था फिर एग्जाम के टाइम में रिवाइज कर लिया तो स्ट्रॉन्ग हो गया और ज़्यादा नर्सिंग नीड थ्योरी वर्जीनिया हैंडरसन नाइनटीन ओके बिकॉज दिस थ्योरी ठीक है जो ये थ्योरी थी नर्सिंग नीड थ्योरी इट फोकस इज ऑन असिस्टिंग द पेशेंट इन परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट्स रिकवरी ठीक है एंड थियोरी फोकस ऑन इंक्रीजिंग द पेशेंट्स इन डिपेंडेंस ओके आई होप आपको जो मैंने ये लाइन बोली है काफ़ी ईजी थी मुझे लगा नहीं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करना पड़ेगा जिस वजह से मैंने ऐसे ही पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर दिया नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर पर डोरोथिया औरम डोरोथिया और नाइनटीन सेवेंटी वन में थी जिनके द्वारा दी गई थी सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी जो है रिक्वायर द नर्सिंग इंटरवेंशन नेक्स्ट इज इमोजिन किंग फिफ्थ इज इमोजिन किंग 1971 थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट द नर्सिस एंड द पेशेंट कम्युनिकेट टू मैनेज म्यूचुअली सेट गोल्स नेक्स्ट इज सीनियर कैलिस्टा रॉय सिस्टर सॉरी सॉरी सिस्टर कैलिस्टा रॉय नाइनटीन सेवेंटी फोर आपको ये याद रखने में बहुत ईजी होगा क्योंकि सिस्टर कैलिस्टा रॉय लिखा हुआ है और उसका नाम है रॉय अडाप्टन मॉडल ठीक है बिकॉज ह्यूमन बींग्राइव टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एंड सोशल सिस्टम तो यहाँ पे बोला गया है जो ह्यूमन बींग होते हैं वो मैंटेन रखते हैं बैलेंस बिटवीन बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल और सोशल सिस्टम्स के बीच में अब यहाँ बोला गया है नर्सिंग इंटरवेंशन आर नीडेड व्हेन द पेशेंट डेमोन्स्ट्रेट्स इन इफेक्टिव अडेप्टिव रिस्पॉन्स टू दी इन्वायरमेंट तो ये कुछ नर्सिंग थियोरीज थी इम्पॉर्टेंट जो कि एग्जाम्स में पहले भी काफ़ी बार रिपीट हो चुकी है और आने वाले टाइम में और भी एग्जाम्स में आ सकती है जिस वजह से मैंने आज आपको ये कवर कर दिया है आई होप आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो थैंक यू सो मच ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों और लाइक ज़रूर कर देना तो आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर